ये योजो का वैक्यूम क्लीनर है कार के लिए। तो इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसको खोलते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि एक एक्सटेंशन पाइप है फ्लेक्सिबल। इसके बाद इसका प्लास्टिक उतना अच्छा नहीं है। और इसके बाद देख सकते हैं आप ये दो कनेक्टर मिला है, जो आप इसको अटैच करेंगे तो वेरियस पार्ट आप कनेक्ट कर पाएंगे। और इसको साइड में रख देते हैं। और ये नोजल है एक साफ़ करने के लिए, और एक कारपेट साफ़ करने का ब्रश वाला नोजल भी मिलता है अब इसके साथ। तो और ये है वैक्यूम क्लीनर, देख सकते हैं, जो कि सिगरेट लाइटर पे आप प्लग करके इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको एक बार देखेंगे, पहले इसको साइड में रखते हैं, बाकी क्या है एक बार देख लेते हैं बैग के अंदर। तो ये 12 वोल्ट है, 80 वाट का हेपा फिल्टर के साथ आता है। तो इसके अंदर और एक कैरिंग बैग दिया है, जो कि आप इसमें रख के सारा सामान कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल होगा। और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, कुछ भी दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं इससे। तो इसको साइड में रखते हैं और हम लोग सीधा वैक्यूम क्लीनर को देखते हैं। तो ये है आपका वैक्यूम क्लीनर, जिसका साथ ये नोजल मिलता है, एक्सटेंशन फ्लेक्सिबल पाइप मिलता है, साथ में दो कनेक्टर और ये कारपेट साफ़ करने वाला ब्रश नोजल। तो ये वैक्यूम क्लीनर है, प्लास्टिक उतना क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ठीक है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया है 829 रुपये में। आप ये पावर स्विच देख सकते हैं और ये पुश बटन जो खोल के आप क्लीन कर सकते हैं इसको। तो एक बार चलिए देख लेते हैं। और इसके साथ ये हेपा फिल्टर आता है, जो इसको खोल के आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये इससे सक्शन होता है इधर से। तो चलिए एक बार इसको कार में लगा के चेक कर लेते हैं कि कैसा है इसका सक्शन पावर, कैसा काम करता है। तो एक बार देख लेते हैं चलिए। और एक बार इससे पहले मैं दिखा देता हूँ इसको, मतलब कैसे लगता है सारा पार्ट इसका, कैसे ट्यूनिंग पे इस्तेमाल होता है। तो ये जो है कनेक्टर पहले आपको लगाना है इधर, उसके बाद आपको ये एक्सटेंशन पाइप लगाना है। एक्सटेंशन पाइप लगाने के बाद आपको फिर ये नोजल कनेक्टर लगाना है। नोजल कनेक्टर प्रॉपरली लग जाने के बाद ये आप जैसे इस्तेमाल करना चाहिए इस नोजल से, या फिर कारपेट साफ़ करना है तो आप ब्रश वाला नोजल यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये नोजल से आप हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करेंगे इसका कैसा है सक्शन पावर। तो एक बार चलिए देख लेते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि सक्शन कैसा है। नीचे कुछ रेत गिरे हैं कारपेट में, देखते हैं कैसा है। तो ये है, काफ़ी अच्छा है सक्शन, रेत आ जा रहा है इजीली। कारपेट में थोड़ा पानी है तो चिपक गया है, तो इसलिए आपको शायद से पता नहीं चले, बट काफ़ी अच्छे तरीके से खींच रहा है सारे रेत को, देख सकते हैं आप। चलिए एक बार इधर देखते हैं कंप्यूटर में, थोड़ा पानी चला गया, कारपेट में पानी था इसलिए। तो कप होल्डर में एक बार देख लेते हैं, अच्छे से खींच रहा है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके क्लीनिंग के लिए, कार के इंटीरियर्स में काफ़ी, कार के इंटीरियर्स के लिए काफ़ी है सक्शन। यूज कर सकते हैं आप इसको, ले सकते हैं खरीदने में कार के क्लीनिंग के लिए, इनसाइड इनसाइड के। एक बार देख लेते हैं कि इसका कॉर्ड लेंथ कैसा है। ये 9 फीट का कॉर्ड है, और ये देख सकते हैं आप, मेरा आर्टिका का न्यू मॉडल है, जिसके पीछे तक आ गया है एकदम सामने वाले सिगरेट लाइटर के प्लग पॉइंट से। तो आपका अगर सेडान भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे अपना ट्रंक भी साफ़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लेंथ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये बैग के अंदर सारा चीज़ प्रॉपरली आ जाता है कि नहीं। तो ये वैक्यूम क्लीनर आ गया, और साथ में एक्सटेंशन पाइप रख दिए, साथ में ये दो कनेक्टर रख दिए, और ये नोजल्स है, नोजल भी रख दिए। तो इजीली आ गया बैग के अंदर, और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी। तो साथ में और भी दो तीन चीज़ आप रख सकते हैं, आपके क्लिनिक का कपड़ा हपड़ा भी। बैग काफ़ी बड़ा है ये सब चीज़ के लिए, और पोर्टेबल है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं आराम से। तो काफ़ी